एक बहुत ही गंभीर विषय जो पूरे हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। पूरे हरियाणा में आज जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की जो स्पीड है बढ़ने की वो हरियाणा के अंदर है। आज हरियाणा की जो बेरोजगारी की दर है वो करीबन 36% के आसपास चली गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि हर 19 साल का दूसरा युवा बेरोजगार घूम रहा है। जो सेंटर की एजेंसी है उसकी ये रिपोर्ट है कि पूरे हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश में तो बेरोजगारी बढ़ ही रही है, लेकिन आज हरियाणा पहले नंबर पे है जो देश में बेरोजगारी बढ़ने की जो स्पीड पकड़े हुए है। और ये जब से निरंतर बढ़ती जा रही है, जब से नरेंद्र मोदी की जो सरकार, उन्होंने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। नीचे जो खट्टर साहब की सरकार, उन्होंने वायदा किया था कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार देने की बजाय आज देश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, देश का युवा अपराध की तरफ जा रहा है, देश का युवा बहुत ही बुरी हालत में। आज उनके माँ बाप परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, खुद युवा फ्रस्ट्रेट होकर के, जिस तरीके से हम रोज ही आप लोगों के माध्यम से खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज वहाँ इतने रुपए की लूट हो गई, वहाँ डकैती हो गई, वहाँ मर्डर हो गया, तो ये जो जितनी भी अपराध की घटनाएं हैं इसको अंजाम देने का काम सरकार कर रही है। आज जिस तरीके से हरियाणा में ये 5 लाख वैकेंसी हरियाणा के अंदर खाली पड़ी है, टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी है। अब इनको जब आनन फानन में जब इनका प्रेशर आया, तो इनके ऊपर प्रेशर आया तो इन्होंने वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो इनको ना तो सरकार चलानी आती है, ना इनको फैसले लेने आते हैं। फैसले लेते हैं तो गलत फैसले लेते हैं जो जनता पर थोपे जाते हैं, क्योंकि उलूल जुलूल में जो फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा प्रदेश के लिए नुकसानदायक हैं। और आज प्रदेश में जिस तरह के हालात इन लोगों ने ला करके खड़े कर दिए हैं, चाहे आप जमीनी स्तर पे देख लो, ग्राम स्तर पे देख लो, शहरों में देख लो। अगर देखो तो आप शहरों में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, गाँव में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, अलग अलग तरीके से अगर हम देखेंगे तो रोज ही ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि वहां पर मर्डर हो गया, वहां पे फिरौती मांगी जा रही है। अभी आपने कल परसों ही देखा होगा बहादुरगढ़ में एक प्रोड्यूसर है कोई, उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि आज इन सारी बातों की जिम्मेवार कौन है? इन सारी बातों की जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो यहाँ सरकार चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले 7.5 साल से जब से ये सरकार चला रहे हैं, तब से अगर हम अपराध के ग्राफ में देखें तो उसमें बढ़ोतरी, तब से हम लूट खसोट के मामले में देखें तब से बढ़ोतरी, सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में देखें उसमें बढ़ोतरी, अगर कहीं हम ये देखें भी जन लोगों को कितनी सुविधाएं दी गई उसमें नुकसान पहुंचाने में बढ़ोतरी, कोई भी तो ऐसा डिपार्टमेंट इनका नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने व्यवस्था को, इनकी व्यवस्था जो इनके व्यवस्था नाम कहते थे हम व्यवस्था ठीक करेंगे, तो सारी व्यवस्था पूरे हरियाणा में चरमराई हुई है। अस्पतालों में ना बेड हैं, अस्पतालों में कहीं बेड हैं तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर हैं तो बेड नहीं है, ना मशीन है, ना कोई जांच की मशीन है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है। हर प्रकार से आज पूरा हरियाणा व्यवस्थित तरीके से चरमराया हुआ है, और पूरे तरीके से ऐसी व्यवस्था आज तक हरियाणा में नहीं देखी गई जिस तरीके से आज हरियाणा का माहौल बना हुआ है। शिक्षा की आपने बात की, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का आज जो बयान आया कि भाई साहब ये मतलब ये अभी आपने 7-8 दिन पहले जो उन्होंने फैसला लिया था कि भाई हम बाहर से राजस्थान से पड़ोसी राज्यों से हम टीचर बुलाएंगे और वो पढ़ाएंगे, अरे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो एक्सटेट करे घूम रहे हैं, सीटेट करे घूम रहे हैं, उनको काम कौन जिम्मेवारी देगा, उनको कौन मतलब ये लगाएगा कि वो हरियाणा के नहीं है क्या, वो बाहर के हैं क्या? मतलब ये हम जब इनके ऊपर प्रेशर आता है तो इनको वापस लेने पड़ते हैं कि भाई हम सेवानिवृत्त जो हैं उनको टीचर लगाएंगे। तो इनको असल में सरकार ही चलानी नहीं आती, ना इनको व्यवस्था का पता है। सिर्फ और सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की आड़ लेकर के देश में जिस तरह के दंगे कराने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से
अगर कोई पत्रकार साथी इनसे पूछता है, इनके विधायकों से कोई पत्रकार साथी पूछता है, उनके ऊपर ये मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है, आज देश प्रदेश के अंदर कोई पत्रकार भी जींद में मिड्डा साहब ने किसी पत्रकार साथी ने, आप में से एक पत्रकार साथी ने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। ये शर्म की बात है। एक जिम्मेवार आदमी और इस तरह के हालात पैदा कर देता है, और वो भी उस जिम्मेवारी पर जो आज सरकार, जिनकी सरकार चल रही है, जिनका मुख्यमंत्री है, तो और मुख्यमंत्री तक का जवाब तक भी नहीं आता कि ये गलत किया गया है, ये गलत है इस तरह का। क्योंकि सवाल पूछना पत्रकारिता में एक बहुत ही, पत्रकार ही है जो तस्वीर और तकदीर सारी प्रदेश की बनाने का काम करता है और तस्वीर बदलने का काम करता है। क्योंकि पत्रकार ही अपनी बात नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा। जज्जर को अभी 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। जज्जर जज्जर की बात नहीं भाई साहब, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर रखा है। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं है ही नहीं, पूरे हरियाणा में भी नहीं है, ना पूरे देश में है। हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ बहकावे का काम किया जा रहा है, डरावे का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है, इससे अलग कोई काम नहीं किया जा रहा। हमारी पार्टी ने भाई साहब ये समीक्षा की है, आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी हमारे को यहाँ करीबन 10.3% के अनुसार हमें वोट शेयर मिला है, वो जो बहुत ही बढ़िया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ आज, क्योंकि ये जो चुनाव है ये लोकल बॉडी के चुनाव थे, इसमें बहुत से लोगों का आपसी भाईचारा, बहुत सी चीजें, अगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से फैलाव हो रहा है, इस तरीके से संगठनात्मक तरीके से जो आम आदमी पार्टी फैल रही है, वो बहुत ही आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही शुभ चिंतक है, और हरियाणा की जनता के लिए शुभ चिंतक है कि हरियाणा की जनता को एक बहुत ही बेहतर विकल्प मिला है आम आदमी पार्टी के रूप में। और आम आदमी पार्टी आज जिस तरीके से हरियाणा के अंदर संगठन में नंबर एक पर है, आज भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, इनका संगठन नहीं है, आम आदमी पार्टी का बूथ लेवल तक का संगठन है, बूथ लेवल तक का संगठन आम आदमी पार्टी का तैयार है। लोग हमारे से बहुत एक अपेक्षा रखे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बहुत ही अच्छा विकल्प लोगों को मिला है, और आने वाले समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। तमाम मुद्दे जो आपने बताए ये ग्राउंड लेवल पर भी आप इस पर आवाज उठाएंगे? आम आदमी पार्टी हर एक लेवल पर आवाज उठाएगी। ये हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देते हैं, या तो इन चीजों में ये बदलाव लेकर के आना शुरू कर दे, व्यवस्था ठीक करना शुरू कर दे, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़कों तक जाएगी, सड़क पर जाएगी, संसद तक जाएगी, विधानसभा में जाएगी, हर जगह हम इनका विरोध करेंगे और हर जगह ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जो अभी आपने आरोप लगाए हैं सरकार पे भ्रष्टाचार को लेकर, शिक्षा को लेकर, इनकी नीतियों को लेकर, इस पे आपकी आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है? आम आदमी पार्टी का यही रोड मैप है भाई साहब, हर जगह आज विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर काम कर रही है, और विपक्ष ही मजबूत होता है तो सरकार को झुकाने का काम किया जाता है। अभी जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रेशर में आकर के, आम आदमी पार्टी ने जो प्रेशर बनाया, तभी इन्होंने वो फैसला उलूल जुलूल में कभी वापस लेते हैं, कभी फैसला लागू करने का काम करते हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो रोड मैप है वो सड़क से लेकर के संसद तक का है।